हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो के अंदर। आप देख रहे हैं दिव्यांग सहारा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो उन दिव्यांग साथी के लिए होने वाली है जो दिव्यांग साथी पेंशन पर निर्भर है, क्योंकि दिव्यांग ज़्यादातर जो है बेचारा पेंशन पर निर्भर है, क्योंकि उसके पास कोई रोज़गार नहीं है और ना ही उसके पास इतना पैसा है, तो वो जो बेचारा पेंशन पर ही निर्भर है। और पेंशन जो है 1000 रुपये महीने के हिसाब से पेंशन आती है, वो भी 3 महीने की पेंशन 4 महीने में आती है। अब कुछ दिव्यांग ऐसे हैं कि जिनकी पेंशन बनी हुई है, बट उसे यह नहीं पता कि हमारी पेंशन कौन से खाते में आ रही है। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे मैं बता दूं आपको, जब उसने पेंशन बनवाई है अपनी, तो उसने पंजाब नेशनल बैंक का अकाउंट दिया और बाद में फिर उसने यूनियन बैंक अकाउंट खुलवा लिया, तो वो जो अपनी पेंशन चेक करता है वो पंजाब नेशनल बैंक में ही चेक करता है, जो कि अकाउंट उसने पहले पेंशन बनाते समय दिया था। मगर सरकारी पैसा ऐसा है क्योंकि इसके अंदर KYC होती है और ये आधार कार्ड से लिंक होता है। जिसमें आधार कार्ड लिंक होगा तो सरकारी पैसा ऑटोमेटिक आधार कार्ड के हिसाब से उसी अकाउंट में चला जाता है। तो वो अपनी पेंशन कैसे चेक कर सकता है कि मेरी पेंशन कौन से खाते में जा रही है? तो उसके लिए सबसे पहले अपने गूगल क्रोम में जाना होगा। गूगल क्रोम में जाने के बाद आपको यहाँ पर टाइप करना है ssbyup.gov.in। ये टाइप करने के बाद सबसे ऊपर की जो वेबसाइट ओपन होगी, यहाँ पे लिखा हुआ है यूपी पेंशन स्कीम, तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। फिर आपको थोड़ा सा यहाँ पे जो ये निशान आ रहा है, तो इस पर क्लिक करना है। और जैसे इस पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ आ चुका है दिव्यांग पेंशन। देखना चाहते हैं तो यहाँ पे अधिक क्लिक करें, तो ये लिखा हुआ है ना अधिक पढ़े, तो आपको उस पर क्लिक कर देना है। तो जैसे मैं क्लिक कर देता हूँ, दिव्यांग पेंशन को मुझे देखना है। और उसके बाद जब इस पर क्लिक करोगे तो इस तरह का इंटरफेस आएगा, तो आपको थोड़ा सा इसको ऊपर करना है। और यहाँ पे देखिए ये लिखा हुआ है पेंशन सूची, और पेंशन सूची 2022-23, तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पे जो है आपके ज़िले आ चुके हैं, जो भी आपका ज़िला हो आप उस ज़िले पे क्लिक कर देना है, ये देख सकते हैं। और यहाँ पे देखिए लिखा आ चुका है विकासखंड यानी ब्लॉक, जो भी आपका ब्लॉक हो, ये जो है ग्रामीण के लिए है। और थोड़ा जब आप ऊपर करोगे तो ये देखिए लिखा हुआ है नगर निकाय। अगर आप किसी शहर से बिलोंग करते हैं तो ये शहर के लिए है, फिलहाल हम ग्रामीण से हैं तो अपने ग्रामीण में अपना ब्लॉक पे क्लिक कर देते हैं। उसके बाद फिर यहाँ पर आपकी ग्राम पंचायत आ जाती है। देखिए ग्राम पंचायत है, जो भी मेरी ग्राम पंचायत है, तो उस पर मैं क्लिक कर देता हूँ। ग्राम पंचायत पे क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पे देखिए ग्राम आ चुका है और यहाँ पे देखिए कुल पेंशन जो है 1 है फिलहाल इस गांव के अंदर, तो इसी पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ आएगा रजिस्ट्रेशन संख्या, यानी पेंशन की जो रजिस्ट्रेशन संख्या है यह है, और पेंशन का नाम यहाँ पर आ चुका है, और पिता का नाम यहाँ पर आ चुका है, और उसकी आयु यहाँ पे आ चुकी है, और मोबाइल नंबर भी उसका आ चुका है, कौन सा मोबाइल नंबर लिंक है, और उसकी जो धनराशि पेंशन की कितनी आ रही है, देखिए ये आ चुकी है यहाँ पे लिखी हुई 3000 रुपये। और बैंक का नाम, ये जो देखिए बैंक का नाम ये वाला आ चुका है पंजाब नेशनल बैंक, जिसके लिए हम जो वीडियो बनाए हैं, ये कौन सा बैंक में पेंशन जा रही है, देखिए यहाँ पर आ चुका है। और अकाउंट नंबर के आखिर के 4 डिजिट आ चुके हैं, यानी कौन से बैंक में पेंशन जा रही है और उसका खाता संख्या जो है आखिरी के 4 अंक आ चुके हैं। तो इससे हमें पता चल जाता है कि हमारी पेंशन कौन से खाते में जा रही है। और ये देखिए पेमेंट भी रिसीव हो चुकी है, यहाँ पे जो ट्रांजैक्शन स्थिति भी आ चुकी है। दोस्तों, इस तरह से जो है आप अपनी पेंशन देख सकते हैं कि हमारी पेंशन कौन से खाते में जा रही है। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साइड में आए बेल आइकन को भी दबा दें, जो भी वीडियो हम अपलोड करेंगे उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने के लिए मिल जाएगी। तो दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में शेयर कर दें, ताकि हर दिव्यांग को पता चल सके कि हमारी पेंशन कौन से खाते में जा रही है। तो इस तरह से जो है आप चेक कर सकते हैं, और पेंशन जो 1000 रुपये महीने के हिसाब से आने वाली है, 3 महीने की पेंशन आएगी 3000 रुपये। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।